फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव डिज़ाइन। आज हम इस वीडियो में आपके साथ एक बॉडी का डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं। आप घर पर कोई भी किसी भी तरीके से सिंपल सा गाउन बना सकते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर आप कोई डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज एक ऐसा ही डिज़ाइन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं आपको कटिंग इस पेपर पर समझाऊँगी। इस तरीके से पेपर को फोल्ड करना है, कपड़े को इसी तरीके से हमने फोल्ड करना है, इस साइड से शोल्डर रखना है जितना आपको चाहिए। अगर आपको आप अपना शोल्डर जो है कपड़े को फोल्ड करने के बाद 6 इंच रखते हैं तो यहाँ पर आप 6.5 रखेंगे। इस डिजाइनिंग के लिए हमने 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। आर्म होल आप जितना रखते हैं उतना ही लेंगे। ब्रेस्ट का 4th हिस्सा यहाँ पर लेंगे हम। यहाँ पर आपकी कमर आ जाएगी। वन इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। एक साइड पर किसी भी एक साइड पर चाहे इधर ले 1 इंच पर आपने इस तरीके से निशान लगाना है। एक इंच पे आपने इस तरीके से इस निशान को हमने कपड़े की दूसरी साइड के साथ मैच करना है। नीचे से भी इसी तरीके से करना है और एक इस तरीके से नया सेंटर बनाना है। इस तरीके से हमने दोबारा से एक सेंटर बना लेना है। ये वाली साइड पर 1 इंच कपड़ा जो है ज़्यादा है दूसरी साइड के कंपैरिजन। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। जितना भी आप नेक रखते हैं उतना रख सकते हैं। अगर आप बोट नेक चाहते हैं तो आप बोट नेक ना लें। मैं जस्ट का नेक जो है वो बोट बना रही हूँ, बोट नेक। 3 इंच ब्रॉड एंड 3 इंच डीप है। यहां से हम कटिंग करेंगे। अब ये वाली साइड जो है इस साइड से बड़ी है। अब इस साइड से 1 इंच पर इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। यहां से ये 4 इंच पे है निशान सेंटर से 4 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब आपने जितना भी आपका नॉर्मल नेक टेप होता है उतने इंच की
उतने इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाना है, जैसे 5 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ, उसके बाद 2 इंच पर एक निशान इस तरीके से लगाना है। तो अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है आपने, इस साइड से 2 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ मैं, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमने कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से आपकी डिज़ाइन की कटिंग हो जाएगी। अब हम जब इसकी सिलाई करेंगे तो ये वाली साइड जो है हमारे शोल्डर की, वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी। आपने इसी तरीके से कपड़े की और उस पर लगने वाले इनर की कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने कपड़े के ऊपर कटिंग कर लेनी है, इनर की भी और जो हमारी बॉडी का कपड़ा है उसकी भी। यहाँ पर जो हमने जो कट इनर पर हमने वो कट अभी नहीं लगाया, वो हम सिलाई के बाद लगाएंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे इस तरीके से, इनर को और कपड़े को इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपने इनर के कपड़े को अपनी बॉडी के कपड़े के साथ अटैच करना है। सबसे पहले नेक पर हमने यहाँ पर 1/2 इंच पर यहाँ पर इस तरीके से एक सिलाई लगा देनी है, और जो हमने यहाँ पर जो कट लगाया है उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर 1/2 इंच पर सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, यहाँ इस निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है, यहाँ पर भी लगा दी है। अब हम इनर की कटिंग कर देंगे। मैं बिल्कुल साथ साथ में सिलाई की कटिंग कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकाल रही हूँ ताकि आसानी से हमारा कपड़ा फोल्ड हो सके। जहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं, हमने इसे फोल्ड करना है। ये वाली साइड जो है आपने ध्यान से टर्न करनी है। आप किसी पेन की हेल्प से इसे टर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब आपने इसके ऊपर सबसे पहले नेक के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है ताकि आपकी इनर जो है वो फ्रंट की ओर ना आए। इस तरीके से इनर को अपने पीछे की ओर खींचने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, और यहाँ पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हम अपना ये वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर रखेंगे। और इन सारे हिस्सों को एक सिलाई के साथ अटैच कर देंगे। सारे कपड़े जो है बराबर होनी चाहिए, तो 1/2 इंच पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी। हमारी बॉडी के फ्रंट साइड के दोनों हिस्सों को हमने आपस में अटैच कर लिया है। बाकी की ड्रेस आप नॉर्मल जैसे भी अपनी ड्रेस स्टिच करते हैं उसी तरीके से करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। तो इस तरीके से हमारी ड्रेस का जो नेक है वो रेडी है। इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने ये टैसल्स लगा दिए हैं। आप चाहे तो कुछ और लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।